नमस्कार, मैं हूं अंशली तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। बुलंदशहर के शिकारपुर पशु व्यापारी से भैंस की रुपए मांगने पर एक दंपत्ति के साथ मारपीट की है। वहीं पुलिस ने दंपत्ति का मेडिकल कराया। पीड़ित दंपत्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है। हम आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार मोहल्ला बड़ा कोट निवासी गुड्डन पुत्र चरण ने बताया कि उसने अपनी एक भैंस पशु व्यापारी आरिफ कुरेशी पुत्र इस्लाम मुन्ना कुरेशी निवासी लाल दरवाजा शिकारपुर को मेरी एक भैंस का सौदा 49,000 में किया था। व्यापारी ने 50 रुपए बयाना देकर सौदा पक्का कर लिया, बाकी रकम घर से लाने को कहा। व्यापारी के कहे अनुसार गुड्डन अपनी भैंस की रकम पशु व्यापारी के घर पहुंचा। गुड्डन का आरोप है कि पशु व्यापारी सहित 4 लोगों ने घर में बंद कर मारपीट की व जानलेवा हमला किया। आरोप है कि पत्नी के साथ छेड़छाड़ व कुंडल भी छीन लिए। पीड़ित ने नामजद तहरीर देकर पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि घटना की तहरीर मिल गई है, मामले की जांच की जा रही है, जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। खड़ाकोट जी, हमारी भैंस लेके आए थे यहाँ पर व्यापारी, उनके पैसे से उन्होंने हमारी भैंस खोली घर से और बोले घेर में जाके पैसे मिलेंगे। फिर हम बैठे, 1 घंटा होगा मैं वहाँ बैठे बैठे, हमने पैसे मांगे तो उनसे बोलते बोलने लगे और फिर मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। जो भैंस लाए थे व्यापारी, नाम बोले ना उसका, देखो नाम की दानिश दीवान दानिश, ये 3-4ों ने मिलकर संग घरवाले के साथ मारपीट करी है, इनके साथ तमीजी करी हमारे साथ और मारपीट करी। जी, कोई सुनवाई ना। और इंस्पेक्टर साहब यूँ कह रहे कि तुम छेड़छाड़ लिखवा रहे हो, जब हमारे क्या कहते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।